नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि हमें अगर बुखार हो गया हो तो हमें क्या करना चाहिए, किन घरेलू नुस्खों को अपनाना चाहिए जिससे हमारा बुखार जड़ से ख़त्म हो जाए, चाहे वो किसी तरह भी तरह का बुखार हो, जैसे डेंगू, मलेरिया अस्थमा आदि। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमें अगर किसी भी तरह की बीमारी हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें कोई भी बीमारी है तो वो हमारी लापरवाही की वजह से है। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और अगर फिर भी हो ही जाता है कभी कभी तो हमें अगर कोई भी बीमारी है तो हमें क्या करना चाहिए। पहला, आप अपने खाने पीने से ही इलाज कर सकते हैं, मतलब जो आप खाते हैं उसका ध्यान रखें कि क्या मैं आपके लिए लाभदायक है और क्या नुकसानदायक है, और इस हिसाब से खाना खाएं। दूसरा, आप प्रकृति के चीज़ों का इस्तेमाल करके इलाज कर सकते हैं, जैसे नीम, गिलोय, हरसिंगार का पेड़, तुलसी का पत्ता, फिग ट्री आदि चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना घर पर ही इलाज करें। तीसरा, फिर भी फर्क ना पड़े तो आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, मतलब ये जो मैंने आपको प्रकृतिक चीज़ें बताई उन सबको मिला के एक आयुर्वेद की चीज़ बनती है, उससे आप इलाज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, काढ़ा को आप अलग अलग चीज़ें उसमें डालते हैं, जैसे नीम गिलोय, अगर नीम गिलोय का काढ़ा बनाए तो नीम गिलोय, हल्दी, अदरक अलग अलग चीज़ें डालते हैं तो वो हो गया आयुर्वेद। और कोई रास्ता नहीं बचता तब आप अस्पताल जाएं। अस्पताल जाना मतलब इधर आप फंस जाते हैं उनके जेल में। उसके अगर एक ही बीमारी खाएंगे, एक बीमारी के लिए इलाज करवाने जाएंगे तो दूसरी बीमारी अपने आप ही आ जाती है, और उसके इलाज करवाने जाएंगे तो तीसरी अपने आप ही आ जाती है। आप सब जानते हैं कि हर दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इससे अच्छा हम घर पर ही इलाज करने की कोशिश करें। अगर वो गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर तो आप अस्पताल जाएं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं बुखार में हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का बुखार है तो क्या करें। पहला, गिलोय, हमें गिलोय का इस्तेमाल करना चाहिए चाहे वो किसी भी तरह का बुखार हो। ये बुखार को हटाने में बहुत लाभदायक होता है। दूसरा, अनार हम बुखार होता है तो हम खाना कम से कम खाते हैं जिससे हमें कम शक्ति मिलती है, तो हमें अनार खाना चाहिए। उसके बाद नमक का पानी, हमें नमक का पानी पीने से हम हाइड्रेट रहते हैं और बुखार भी इससे जल्दी मिट जाता है। और चौथा, अलग अलग तरह के पानी के बारे में जानेंगे जो हमें पीना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा जड़ से इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला गिलोय है, आप अच्छे से पहचान लें गिलोय कैसा दिखता है, और अगर आपके घर कहीं भी आसपास ये दिखता है तो इसको लेके आए और इसका इस्तेमाल करें। ये ज़रूरी नहीं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ बीमार लोग ही कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं। हफ्ते में आधा ग्लास तो इसको पी ही सकते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, हमें बुखार आने के चांसेस भी कम रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, किसी भी तरह के जर्म्स हमारे अंदर नहीं जाएंगे। यह बुखार में बहुत ज़्यादा लाभदायक है और बुखार को हटाने में बहुत मदद करता है, तो इसका सेवन ज़रूर करें। कैसे करें आइए देखते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गिलोय। 1, गिलोय इन केस ऑफ क्रॉनिक फीवर। 2, गिलोय फॉर डेंगू फीवर। 3, गिलोय फॉर हाई फीवर। 4, गिलोय फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। 5, गिलोय फॉर डायबिटी इशू। सबसे ज़्यादा लाभदायक गिलोय का काढ़ा होता है, तो पहले हम गिलोय का काढ़ा बनाना सीख लेते हैं। उसके लिए हमें सामान लगेगा गिलोय, हल्दी, अदरक, शहद, तुलसी का पत्ता। तो पहले आप पानी को गर्म कर लें, उसके बाद उसमें जब उबाल आ जाए तो उसमें गिलोय डालें। गिलोय डालने के बाद आप उसमें हल्दी भी डालें, अदरक डालें, एक चम्मच शहद और तुलसी के पत्ते डालें।
और उसको 4 से 5 मिनट तक उबलने दें। उसके बाद आप उसको एक कप में निकाल के गरम गरम ही पिएं। यह आपके जुखाम खांसी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा अनार है, आप तो जानते ही हैं अनार हर बीमारी के लिए लाभदायक होता है, लेकिन यह बुखार में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बुखार से लड़ने में बहुत आसानी होगी और कुछ ही दिनों में आप इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बुखार होने पर अनार का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि बुखार के दौरान पानी की कमी हो जाती है। बुखार में भूख कम लगती है, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। अनार हमारे शरीर को ताकत देता है और बीमारी को ख़त्म करने में मदद करता है, तो अनार का सेवन ज़रूर करना चाहिए। नमक का पानी, इसका सेवन कैसे करना है और इसको कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। सेवन कैसे करें? नमक को 5 मिनट तक भून लें कढ़ाई या तावा में, और फिर गुनगुने पानी मतलब हल्का गर्म पानी में नमक डालकर उसको सुबह शाम पिए, जिससे आपको बुखार में लड़ने को ताकत की शक्ति मिलेगी, आपको पानी की कमी नहीं रहेगी और आप बुखार को जड़ से भगा सकेंगे। तो एक बार इसका भी सेवन करके ज़रूर देखें। चौथा, पानी। हमें किस तरह का पानी पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए, आइए जानते हैं। नींबू का पानी, बुखार में नींबू का पानी बहुत फ़ायदेमंद है। यह हमारे बॉडी में पानी पहुंचाता है और इस बुखार को जड़ से भगाता है। नींबू में आप जानते हैं बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ऐसे को तो ये बुखार में भी बहुत फ़ायदेमंद है। फिर है अजवाइन का पानी। अजवाइन का पानी हम कैसे बना सकते हैं? हमें 2 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालना है और उस 2 गिलास पानी को 1 गिलास बना लेना है और फिर उसका सुबह शाम सेवन करना है। इन दोनों पानियों का सुबह शाम और सेवन करेंगे तो आपका बुखार जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आप दोबारा एक स्वस्थ इंसान बन जाएंगे। हमें अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखना है, तो बुखार के दौरान क्या खाएं, मतलब क्या खाना चाहिए, what food should we eat during fever? तो हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए और जूस पीने चाहिए, अलग अलग फ्रूट्स के जूस पीने चाहिए, सूप पीना चाहिए और ख़ासकर चिकन सूप हमारे बुखार के लिए बहुत लाभदायक होता है। हमें अपने खाना में दही को मिलाना चाहिए, दही खाना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स भी खाना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके बुखार के समय बहुत मदद करेगी इस बुखार को भगाने में, और इस तो आप इस बुखार के दौरान ये सारी चीज़ें ज़रूर खाएं, और हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, दही, सूप तो ज़रूर ही। बुखार के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, व्हाट शुड वी नॉट ईट ड्यूरिंग फीवर? हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, फास्ट फूड यानी बर्गर, मैगी, चाउमीन ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, यह हमारे बुखार के समय नुकसानदायक होता है। और मैंने तो अभी सिर्फ 3 चीज़ ली है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बासी खाना नहीं खाना चाहिए, चावल कम से कम प्रयोग करना चाहिए और अलग अलग चीज़ें, तो हमें उन सब का ख्याल रखना है। तो आशा करती हूँ आपने इस वीडियो से कुछ नया चीज़ ज़रूर सीखा होगा, और ये याद रखें कि सीधे हॉस्पिटल ना जाएं, पहले घर पर इलाज करें और फिर अगर वो गंभीर बीमारी है तो रिपोर्ट चेक करवाएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सी बीमारी है, और फिर उसका इलाज स्टार्ट करें। तो हॉस्पिटल आपको सीधे नहीं जाना है, घर के चीज़ों से ही इलाज करना है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन भी दबा देना,
और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप YouTube और Google का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आप इन्हीं दो चीज़ों से जान सकते हैं। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बाय।